जागरण जोश अब सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 27 अगस्त से 30 अगस्त 2016 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 8 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पॉक्सो ई बॉक्स की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% ब्याज दर पर ऋण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 3 ओलंपिक के लिए टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। सानिया मिर्जा एवं मोनिका निकोलेस्कू की जोड़ी ने कनेक्टिकट ओपन खिताब जीता। इसरो ने स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2016 में भारत को 77वां स्थान मिला। प्रोफेसर जगन्नाथ आजाद को अल्लामा इकबाल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा। केंद्र सरकार ने 14वां प्रवासी भारतीय दिवस बेंगलुरु में आयोजित करने की घोषणा की। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉजर तासन का निधन। रेल मंत्रालय द्वारा ई टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बीमा योजना आरंभ। प्रख्यात कवि कश्मीरी लाल जाकिर का निधन। गुजरात सरकार ने छोटे एयरपोर्ट विकसित करने हेतु AAI एवं केंद्र सरकार के साथ समझौता किया। TVSN प्रसाद समिति ने पैलेट गन के उपयोग पर रिपोर्ट सौंपी। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने Amazon.com के साथ स्मार्ट होम सर्विसेज हेतु समझौता किया। कॉटनी वॉल्श बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच नियुक्त। करंट अफेयर्स विस्तार से। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पॉक्सो ई बॉक्स की शुरुआत की। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए पॉक्सो ई बॉक्स की शुरुआत की गई। पॉक्सो ई बॉक्स एक ऐसा मंच है जहां यौन शोषण से पीड़ित कोई भी बच्चा अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। यह पहल बाल अधिकारों के संरक्षण की राष्ट्रीय संस्था द्वारा बाल यौन शोषण की सीधे ऑनलाइन शिकायत के लिए की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% ब्याज दर पर ऋण देने की घोषणा की। इसके तहत RBI ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% ब्याज दर पर ऋण देने की घोषणा की। स्वयं सहायता समूहों को वर्ष 2016-17 के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के आधार पर यह ऋण दिया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक ऋण के लिए पात्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 3 ओलंपिक के लिए टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। यह टास्क फोर्स वर्ष 2020, 2024 और 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की प्रभावशाली भागीदारी के लिए एक समेकित कार्य योजना तैयार करेगा। टास्क फोर्स में सांसदों के साथ बाहरी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। यह टास्क फोर्स खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया और अन्य संबंधित मुद्दों पर संपूर्ण रणनीति तैयार करेगा। सानिया मिर्जा एवं मोनिका निकोलेस्कू की जोड़ी ने कनेक्टिकट ओपन खिताब जीता। सानिया मिर्जा ने रोमानिया की मोनिका निकोलेस्कू के साथ यह युगल खिताब जीता। खिताबी मुकाबले का आयोजन 28 अगस्त 2016 को अमेरिका के न्यू हेवन में हुआ। सानिया और निकोलेस्कू ने खिताबी मुकाबले में यूक्रेन की कैटरीना बोंडारेंको और ताइवान की चुआंग चिया जंग की जोड़ी को 7-5, 6-4 से हराया। इसरो ने स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। इसे तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में विकसित किया गया। इसे सुपरसोनिक कंबशन रामजेट इंजन के नाम से भी जाना जाता है। इस इंजन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2016 में भारत को 77वां स्थान मिला। इसे पर्यावरण और मानव सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थान की तरफ से 25 अगस्त 2016 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। इस सूचकांक के माध्यम से 171 देशों पर आपदा के खतरे का आकलन, प्राकृतिक खतरों और सामाजिक कमजोरियों का संयुक्त विश्लेषण किया गया। प्रोफेसर जगन्नाथ आजाद को अल्लामा इकबाल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा।
उन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। इसका फैसला उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की विश्व उर्दू दिवस आयोजन समिति की बैठक में लिया गया। इसके तहत प्रत्येक वर्ष उर्दू के उत्थान हेतु काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। केंद्र सरकार ने 14वां प्रवासी भारतीय दिवस बेंगलुरु में आयोजित करने की घोषणा की। इसके तहत 14वां प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी 2017 को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। 13वां प्रवासी भारतीय दिवस गुजरात गांधीनगर में आयोजित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने वर्ष 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉजर तासेन का निधन। ये फ्लोरोसेंट मार्कर कैंसर कोशिकाओं एवं अल्जाइमर रोग के शोध कार्य हेतु प्रसिद्ध थे। वे तासेन विश्वविद्यालय के सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर थे। उन्हें वर्ष 2008 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रेल मंत्रालय द्वारा ई टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बीमा योजना आरंभ। यह बीमा रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना, आतंकवादी हमला, डकैती, दंगा, गोलीबारी अथवा आगजनी आदि होने पर प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए आरक्षित है जो ई टिकट की बुकिंग करते हैं। इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ सभी यात्रियों को शामिल किया गया है। प्रख्यात कवि कश्मीरी लाल जाकिर का निधन। कश्मीरी लाल जाकिर का 97 वर्ष की अवस्था में 31 अगस्त 2016 को चंडीगढ़ में निधन हो गया। जाकिर हरियाणा उर्दू अकादमी के चेयरमैन भी थे। साहित्य के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुजरात सरकार ने छोटे एयरपोर्ट विकसित करने हेतु AAI एवं केंद्र सरकार के साथ समझौता किया। इसके तहत गुजरात सरकार ने भारतीय विमान प्राधिकरण यानी AAI एवं केंद्र सरकार के साथ 1 सितंबर 2016 को एक त्रिपक्षीय समझौता यानी MOU किया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 11 छोटे एयरपोर्ट विकसित करना है। इस MOU के तहत 11 हवाई पट्टी विकसित की जाएंगी ताकि राज्य यात्रियों को आसान आवागमन प्रदान कर सकें। TVSN प्रसाद समिति ने पैलेट गन के उपयोग पर रिपोर्ट सौंपी। TVSN प्रसाद समिति ने पैलेट गन के प्रयोग पर गृह सचिव राजीव महर्षि को 30 अगस्त 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार यह समिति कश्मीर घाटी में पैलेट गन के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। इस समिति का गठन पैलेट गन के विकल्प तलाशने के लिए किया गया था। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने Amazon.com के साथ स्मार्ट होम सर्विसेज हेतु समझौता किया। इसके तहत LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंक ने 2 सितंबर 2016 को Amazon.com के साथ स्मार्ट होम सर्विसेज हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से Amazon द्वारा संचालित Alexa वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों पर काम कर सकेगी। Alexa अपने स्मार्ट थिंक क्यू हब के साथ घरेलू उपकरणों के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। कॉर्टनी वॉल्श बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच नियुक्त। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कॉर्टनी वॉल्श को 1 सितंबर 2016 को हीट स्ट्रीक की जगह बांग्लादेश का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। वे 2019 विश्व कप तक टीम के गेंदबाजी कोच रहेंगे। स्ट्रीक पिछले 2 साल से बांग्लादेशी टीम के कोच की भूमिका निभा रहे थे। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।